हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिससे कि हमें 100% सफलता मिले ही मिले। क्योंकि क्या होता है कि हम टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, एंड देन फिर क्या होता है कि हमें उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता है। हम कहते हैं कि हमने 10 घंटे पढ़ाई करी, हमने 12 घंटे पढ़ाई करी, बट हमें उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता? आखिर क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं अपना जो गोल है उसको पाने में? तो चलिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप 100% अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। मतलब कि इस तरीके से अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो 100% आप बिल्कुल सफल होंगे होंगे। चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखते हैं वो कॉमन मिस्टेक्स जो कि सारे लोग करते हैं, जिनकी वजह से वो अपने गोल को पाने में अधूरे, वो अछूते रह जाते हैं, वो नहीं पा पाते हैं वो चीज़ें जो कि वो डिजर्व करते होते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम किसी दूसरे का टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर देते हैं। मींस कि क्या होता है, कभी किसी टीचर ने बता दिया, हमारे फ्रेंड्स ने बता दिया, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि हम समझते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट टाइप का है, भले ही वो ना हो, बट हम समझते हैं। अब हो सकता है कि उसके लिए वो उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रांगनेस, उसका जो एटमोसफियर है घर का, वो सारी चीज़ें अलग हों, आपके साथ में वो चीज़ें नहीं हैं। तो आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आप खुद ही बताओ कि आप कैसे सक्सेसफुल हो पाओगे। तो कभी भी आप किसी का टाइम टेबल फॉलो नहीं करेंगे, सबसे पहली तो ये गलती है। दूसरी हमारी गलती ये होती है कि हम अपनी वीकनेस और स्ट्रांग पॉइंट पे ध्यान ही नहीं देते हैं। टाइम टेबल बना लेते हैं, किसी ने बोल दिया 10 घंटे पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं कि हमने 10 आवर्स का बना लिया, या किसी ने बोल दिया यार मैं तो 2 घंटे में हो जाता है, हमने क्या किया 2 घंटे बना के बैठ गए, यार उसका 2 घंटे में हो जाता है, मेरा भी 2 घंटे में मुझे करना है। देन वो चीज़ें गलती हम करते हैं, हम अपनी वीकनेस एंड स्ट्रांग पॉइंट्स पे ध्यान ही नहीं देते हैं। देन फिर क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, आप अपनी वीकनेस को समझिए, क्योंकि आपसे बेटर और कोई नहीं जान सकता है कि क्या क्या कमजोरियां आपके अंदर हैं और क्या क्या खूबी आपके अंदर हैं। स्ट्रांग पॉइंट्स को पकड़िए और उन्हें और अधिक अच्छा बनाने की कोशिश करिए। फिर जो थर्ड गलती हम करते हैं वो ये होता है कि हम पढ़ने का सही समय और घंटा डिसाइड ही नहीं कर पाते। हमें कितने आवर्स पढ़ना चाहिए और किस टाइम पे पढ़ना चाहिए ये हम डिसाइड ही नहीं कर पाते। हम कभी दूसरे को फॉलो करते हैं कि कोई मॉर्निंग में पढ़ रहा है, कोई इवनिंग में पढ़ रहा है। पढ़ने का टाइम और आज आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए, उस टाइम पढ़िए जब आपको लगे कि आपका माइंड सबसे बेटर तरीके से काम कर रहा है और थोड़ा काम हो, थोड़ा सा मतलब शांति टाइप का हो। जैसे मैं मॉर्निंग में स्टार्ट करती हूँ, मैं बेसिकली 5 बजे से स्टार्ट करती थी अपना रूटीन, तो मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा बेटर लगता है। कुछ लोगों को इवनिंग में शांत रहता है तो वो लोग इवनिंग में करते हैं, मुझे मॉर्निंग से मैं अपना डेली शुरू करती थी 5 से लेकर के मेरा 9 को फिनिश होता था, उधर 9 बजे तक मेरा चलता रहता था पढ़ाई का, और उसके बाद फिर मैं सोती थी 9 साढ़े 9 बजे के बाद। तो ये मेरा होता था ऐसे डेली का रूटीन, बीच बीच में मैं ब्रेक लेती थी तो मेरा ऐसे चलता था। अब आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, किस जगह पढ़ रहे हो बैठ के, ये भी बहुत मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब आइए बात करते हैं कि हम कैसे बनाएं, सही तरीका है क्या, आखिर कैसे फॉलो करें हम। तो सबसे पहले आप अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट जो सबसे मेन फोकस जिस पे आपको करना है वो है आपका पढ़ाई का, उसको आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए, जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है आप दीजिए उसको। जो पढ़ाई वाला पार्ट है उसको जितना टाइम दे सकते हैं आप उतना दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आप कितना टाइम निकाल पा रहे हैं। सेकेंड पोर्शन है आपका जो वर्क है, अगर आप वर्किंग हो या फिर आप घर पे हो या कुछ भी है, तो जो आपके काम हैं पर्सनली उसको टाइम दीजिए, उसमें आप जितना भी टाइम दे रहे हो उसको लेस कर दीजिए 24 आवर्स में। फिर जो टाइम बचता है, मीन्स कि आपको बचाना ही बचाना है, अगर ये आपने गलती करी तो कभी भी आप सक्सेसफुल होंगे ही नहीं। आपको क्या करना है, अपनी नींद के लिए कम से कम 6 घंटे बचाने हैं, इतना टाइम तो आपको देना ही देना है। तो 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए अपने पूरे दिन को। उसके बाद अगर आप मेरी एडवाइस माने तो आप मॉर्निंग में स्टार्ट करिए, सारी चीज़ें ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है और बहुत ही फ्रेश फ्रेश हवा और सारी चीज़ें, मतलब बहुत ही एक अच्छी फीलिंग्स आती है। अगर आप वहाँ पे स्टडी स्टार्ट करते हो बहुत ही बेटर रहेगा अगर आप मॉर्निंग से करते हो, बट अगर आपको इवनिंग में अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अर्ली मॉर्निंग करती थी।
अपनी नींद के लिए बिल्कुल 6 से 8 घंटे, कम से कम 6 घंटे तो सोना ही सोना है। अगर आप बेटर परफॉर्म करना चाहते हो तो 6 से 8 घंटे आपको नींद लेनी ही लेनी है। अगर आप नहीं ले रहे हो, 1 दिन स्किप कर रहे हो, 2 दिन स्किप कर रहे हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो होता है एक चिड़चिड़ापन, एक इरिटेशन, एक अलग तरीके की आने लगती है। भैया मुझसे तो नहीं होता है, मैं तो 6 से 8 घंटे मैं तो पर्याप्त नींद लेती हूँ, उसके बाद ही मैं काम कर पाती हूँ, नहीं तो फिर मुझसे बहुत गड़बड़ होने लगती है। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं सिली मिस्टेक्स कर देती हूँ, मैं सारा पढ़ के जाती हूँ, फिर मुझसे गलतियाँ होंगी। तो आप भी ये चीज़ तो बिल्कुल ना करें। आप जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश होता रहेगा। ब्रेक लेने का मतलब है कि आप ये नहीं है कि आप मूवी देखने लग गए, आप यूट्यूब पे लग गए। ब्रेक लेने का मतलब है कि 5 मिनट आप टहल लो, या फिर अगर किसी फ्रेंड ऐसा फ्रेंड नहीं है जो आपको इसे फालतू का कुछ बताने लगा है, अगर वो एग्ज़ाम से रिलेटेड है या कुछ आपको मोटिवेट करता है, तब आप उससे 5-6 मिनट तक बात कर सकते हो। आप बीच बीच में पानी पीते रहो और हल्का फुल्का कुछ भी खाते रहो, तो इससे भी आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी, आप रिफ़्रेश भी रहोगे। तो 10-10 मिनट का या आधे आधे घंटे का ब्रेक आप बीच बीच में लेते रहो, उससे आपका माइंड काम भी करता रहेगा और आप सही से पढ़ भी पाओगे। फिर जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि आप कम से कम 6 घंटे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे। इससे ज़्यादा हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। आप कितना भी वो कर लो, अगर आप बोल रहे हो, मैं उन लोगों को स्किप कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कोई 16 घंटे पढ़ सकता हो, बट मेरा मानना है कि मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम 10 आवर्स, ये इतना सफिशियंट टाइम होता है। इतने में ही आप कोशिश करिए कि अपना टाइम टेबल आप बनाएं। मॉर्निंग में जो फर्स्ट 1 आवर होता है उसको रिवीजन के लिए दें, क्योंकि वो जो टाइम होता है बहुत अच्छा होता है, उसको आप गोल्डन टाइम बोल सकते हो रिवीजन के लिए। बिल्कुल माइंड में आपकी वो चीज़ें सेट हो जानी है, बहुत अच्छे से हो पाएगा। फिर जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, जो भी थियोरी और जो भी रिवीजन वगैरह, वो सारी चीज़ें आधे घंटे में, सोने से पहले आधा घंटा वो सारी चीज़ें दिमाग में रिवाइज कर लीजिए, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। मतलब ये अगर आपने कर लिया तो बिल्कुल आप 100% मान लो कि आप जो भी आप पढ़ोगे तो वो भूलना ही नहीं है। जो आज आपने पढ़ा है उसको तीसरे दिन फिर रिवाइज कर लीजिए, फिर 1 वीक के बाद रिवाइज कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बता देती हूँ कि मैंने अपना रूटीन कैसे बनाया था। तो मैं क्या करती थी कि 5 से 6 मॉर्निंग में उठती थी, फिर रिवीजन करती थी, फिर 6 से 6:30 मीन्स कि आधे घंटे का मैंने गैप लिया, फिर 6:30 से 7 तक मैं फिर से रिवीजन करती थी, देन फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं गैप लेती थी 7:30 से 9, फिर मैं सेकेंड पेपर उसके लिए टाइम देती थी, जो भी मुझे नया पढ़ना होता था सेकेंड पेपर में, मुझे जो नया पढ़ना होता था, आधे घंटे का गैप लेकर के मैं 9:30 से 10:30 तक फिर से सेकेंड पेपर पढ़ती थी, मतलब 1 आवर। उसके बाद 10:30 से 11:15 तक मैं पेपर सेकेंड फिर से पढ़ती थी, उसके बाद 12 से 1 के बीच में मैं क्या करती थी कि मुझे जो भी अलग टाइप का कुछ भी नया मिल गया वो मुझे पढ़ना होता था, फिर 1 से 2 के बीच में मैं पेपर जो 2 था उसको फिर से मैंने टाइम दिया हुआ था, 2:30 से 3:30 के बीच में मैंने पेपर 1, और 4:30 से 5:30 के बीच में पेपर 1 की मैं प्रैक्टिस करती थी, 5:30 से 6:30 के बीच में मैं फर्स्ट पेपर को पढ़ती थी, और उसके बाद अगर मुझे टाइम मिल जाता था तो फिर उसके बाद मैं फिर रिवीजन के लिए शाम को जो भी मैंने दिन भर में पढ़ा है वो सारा का सारा मैं रिवीजन के लिए निकाल लेती थी। इस बीच ये पढ़ने का मतलब है कि मैं वहाँ पे क्या करती थी कि मतलब ऐसा कर लेती थी कि मैं वीडियो भी देख लेती थी, मुझे पढ़ना होता था तो पढ़ भी लेती थी। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके अगर आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 10 आवर्स का, तो आपका टाइम टेबल बहुत अच्छा जाएगा एंड आप 100% सक्सेस की तरफ, आपका फर्स्ट वो जो स्टेप होगा वो आपका टाइम टेबल होगा। तो आई होप ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करिए कभी कभी, एंड सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।